नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय PBY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। लगातार 5 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण अलग अलग जगहों पर गिरी दीवार, 9 लोगों की मलबे में दबकर हुई दर्दनाक मौत। भागलपुर से राजधानी तक का सड़क संपर्क हुआ भंग, महज 6 माह में ही ध्वस्त हुआ चंपा पुल पहुंच पथ। कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्र हुआ शुरू, पहले दिन मां शैलपुत्री की हुई पूजा अर्चना, माहौल हुआ भक्तिमय। विश्व हृदय दिवस को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली, डॉक्टरों ने नशा से दूर रहने की कही बात। और भागलपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, वाहन चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में गांजा बरामद। और अब खबरें विस्तार से। भागलपुर में तेज बारिश के कारण अलग अलग जगहों पर दीवार गिरने से 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना को लेकर पूरा शहर गमगीन हो गया। दरअसल बरारी थाना क्षेत्र के हनुमान घाट के समीप भारी बारिश के कारण पुराने और जर्जर हो चुके दीवार नवरात को लेकर गंगा स्नान करने गए लोगों पर अचानक गिर गया, जिससे मलबे में दबकर 3 व्यक्ति की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। तीनों मृतकों की पहचान भिकनपुर त्रिमूर्ति चौक निवासी 38 वर्षीय विवेक प्रकाश, संत नगर निवासी 24 वर्षीय क्षितिज कुमार और रिफ्यूजी कॉलोनी निवासी 50 वर्षीय विकास चंद्र दास के रूप में हुई है। वहीं खंजरपुर स्थित महाराज घाट के समीप भारी बारिश के कारण दीवार ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि मायागंज झोपड़पट्टी निवासी की मौत सुंदर वन के पिछले हिस्से की दीवार गिरने से दबकर हो गई। वहीं कई घायलों का इलाज भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में चल रहा है। जिला प्रशासन की ओर से SDRF और पुलिस बलों को रेस्क्यू के लिए लगाया गया है। मौके पर सदर SDO आशीष नारायण और सिटी DSP राजबन सिंह खुद कैंप कर रहे हैं। घटना को लेकर मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मौके पर काफी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ी रही। DM ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हादसे में 6 लोगों की मौत की पुष्टि की है। की नाम से बच्चा पिताजी उनको कहाँ कहते हैं? हनुमान घाट के पास एक दीवार मंदिर का वो ढह गया है, जिसमें 3 लोग दब गए थे। घायल अवस्था में उनको अस्पताल पहुंचाया गया है और वहां जाकर से पत्नी कह सकती है। सर कौन लोग थे दबे हुए उसमें? अभी तक सूचना नहीं है, लेकिन 2 व्यक्ति भिगनपुर के थे जैसा कि पता चला है। अब अस्पताल से जाकर वहां पर जानकारी मिल पाएगी कि कहां के हुए थे और कौन थे। अब 3 निकाले गए हैं। अब इसके अलावा SDRF के द्वारा बताया जा रहा है कि कोई और दबे हुए नहीं है, लेकिन अभी रेस्क्यू वर्क चालू है। अगर कोई और दबे हुए होंगे तो उनको भी हॉस्पिटल पहुँचाएगा। वहीं बांका के सिजवा गांव में मिट्टी का दीवार गिरने से वृद्ध महिला की दबकर मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान सिजवा गांव निवासी सुरेश दास की पत्नी सुशीला देवी के रूप में हुई है। दरअसल शनिवार को वृद्धा अपने घर में सोई हुई थी, उसी दौरान तेज बारिश के कारण मिट्टी का दीवार उस पर गिर गया। वहीं तेज बारिश से नाथनगर थाना से सटे सरदारपुर रोड स्थित रेशम संस्थान के 100 वर्ष पुराने भवन का छत गिरने से 2 लोगों की दबकर मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोग एवं पुलिस ने मलबे के नीचे दबे दोनों शव को बाहर निकाला। मृतक की पहचान सरदारपुर निवासी मोहम्मद मुराद और मोहम्मद आमो के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि जर्जर भवन के नीचे 4 लोग बैठकर आपस में बात कर रहे थे, इसी दौरान वर्षा के कारण फूल चुके मकान का छत बैठे लोगों पर गिर गया, जिससे 2 की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर पहुंचे SDO आशीष नारायण और सिटी DSP राजबन सिंह ने पुराने जर्जर मकान को तोड़ने का आदेश दिया, साथ ही मृतक के परिजनों को सरकारी सहायता देने की बात कही। सुबह हनुमान घाट पे 3 लोगों की मौत हुई थी, उसके बाद सूचना मिली और जैसा कि सबको ज्ञात है खंजरपुर में भी 2 लोगों की मौत हुई है और एक हथिया नाला के पास 1 व्यक्ति की मौत हुई है। दीवार गिरने से सभी मौतें हुई हैं, 6 मौत वहाँ हुई थी और 2 मौत यहाँ पे नाथनगर में पुराने भवन के गिरने के कारण हुई है। कुल 8 मौत आज शहर में हुई हैं और मृत्यु उपरांत पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेज दिया गया हॉस्पिटल में। जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी सरकार के नियम हैं, उसके आलोक में कार्रवाई की जाएगी। वो लोग लगातार बारिश से चलते पुराने बिल्डिंग थे, पुराना भवन था, तो अचानक धराशायी हो गया, 2 लोगों की मौत हुई है, इसके मैं पुष्टि कर रहा हूँ, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
पिछले 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश से भागलपुर समेत पूर्वी बिहार में हालात गंभीर हो गए। गंगा और कोशी उफान पर है, साथ ही शहर समेत आसपास का इलाका पूरी तरह जलमग्न हो चुका है, जिससे बाढ़ पीड़ितों को जिला प्रशासन द्वारा बनाए राहत शिविर में शरण लेना पड़ रहा है। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बारिश की स्थिति को देखते हुए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। रविवार को डीएम प्रणव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाढ़ पीड़ितों के बीच किए व्यवस्था की पूरी जानकारी दी। डीएम ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से पीड़ितों के लिए 25 राहत कैंप बनाए गए हैं, साथ ही 56 अस्थायी शौचालय का निर्माण कराया गया है। डीएम ने कहा कि पीड़ितों के लिए 26 सामुदायिक रसोई और 20 टैंकर से स्वच्छ पानी की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है और बाढ़ पीड़ितों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। डीएम प्रणव कुमार ने कहा कि भारी बारिश को देखते हुए पूरे राज्य में अलर्ट घोषित है। वहीं जिले के सभी शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक संस्थानों को 30 सितंबर तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। कुल 263 प्रेग्नेंट लेडी की पहचान की गई है जो कि बाढ़ से रह रही हैं और उनमें से 85 कैंप में रह रही हैं। सभी लोगों की चिकित्सा लगातार की जा रही है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने निर्देशन दिया है कि उनके एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से -18 -2 दिन -7 दिन तक के जितने भी बताए हैं उनको एसीएम भर्ती कराने के लिए निर्देशन दिया गया है। पशु पालन के लिए भी पशु चिकित्सा के लिए भी सभी कैंप्स चल रहे हैं, 13 कैंप इसके भी चल रहे हैं। आज कई कैंप में चारा का वितरण किया गया है। उनके यहाँ 25 प्रकार की दवाएँ उपलब्ध हैं, दवाओं की कोई दिक्कत नहीं। जितने भी कैंप शहरी क्षेत्रों में चल रहे हैं उन सभी कैंप में 7 स्थानों पर 200 शिफ्ट में 4-4 मजदूरों की सफाई की व्यवस्था की गई है। पानी की बारिश की संभावना यदि पहले कल तक दी गई थी घंटे तक, लेकिन ताज़ा जो एलईडी की सूचना जारी है उसमें कल बारिश कुछ कम होने की संभावना है, लेकिन इसके पूरे एहतियातन हम लोग कल के लिए शहर के और पूरे जिले के सभी निजी और सभी सरकारी विद्यालयों को बंद करने का आदेश दे दिया है। भागलपुर से राजधानी पटना का सड़क संपर्क भंग हो गया है। NH-80 को जोड़ने वाली नवनिर्मित चंपा पुल के दक्षिणी भाग का पहुंच पथ रविवार को भीषण बाढ़ और तेज बारिश के कारण ध्वस्त हो गया। पहुंच पथ ध्वस्त होते ही राहगीरों को काफ़ी परेशानी हो रही है। वहीं करीब 6 माह के भीतर ही चंपा पुल का पहुँच पथ टूटने और बैरिकेडिंग टूट कर नदी में गिर जाने के बाद कई सवाल खड़े हो गए। गौरतलब हो कि कुछ माह पूर्व ही पुल निर्माण विभाग की ओर से इसका निर्माण कराया गया था। अचानक पहुंच पथ ध्वस्त होने से ठेकेदार सहित अफसरों की मिलीभगत का भंडाफोड़ हो गया है। फिलहाल पुल के समीप चौकसी बढ़ा दी गई और यातायात में भी बदलाव किया गया। वहीं चंपा नदी पर बने पुल का आधा हिस्सा टूटने की खबर मिलते ही डीएम प्रणव कुमार, SSP आशीष भारती समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थल निरीक्षण किया। वहीं डीएम के निर्देश पर बैरिकेडिंग कर वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। मिलीमीटर बारिश हुई है, बारिश के चलते कई जगह मिट्टी खिसकने की बात, दीवार गिरने की बात आ रही है। तो यहीं रोड का हम लोगों ने इंस्पेक्शन अभी किया, यहाँ भी मिट्टी गिरने से रोड भी थोड़ा दरका है। तो एहतियातन इस रोड को हम लोग क्लोज कर रहे हैं। पैरेलल रोड हमारा बाईपास भी और ये पुराना पुल उपलब्ध है, उसका प्रयोग किया। शारदीय नवरात्र का आरंभ रविवार से हो चुका है। रविवार को कलश स्थापना के साथ आदि शक्ति के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की गई। नवरात्रि के अवसर पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिली। वहीं गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने मंदिर, पूजा पंडाल और घरों में कलश स्थापित कर माँ दुर्गा की विधिवत पूजा अर्चना की। शहर के कई दुर्गा मंदिरों में हो रहे दुर्गा सप्तशती पाठ से पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। माँ के आगमन के साथ ही शुभ समय का आरंभ माना जाता है। इस बार माँ का आगमन हाथी पर हुआ है, जो पूरे देश के लिए लाभकारी और सिद्धिदायक है। वहीं पहली पूजा के अवसर पर भागलपुर पर्वतीय दुर्गा मंदिर से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान भक्तों ने पहले पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। इसके बाद शोभा यात्रा में शामिल महिलाओं और युवतियों ने सिर पर कलश लेकर शहर का भ्रमण किया। इस दौरान रुक रुक कर बारिश भी होती रही, लेकिन रविवार को बारिश पर आस्था भारी पड़ गई। पर्वतीय दुर्गा पूजा कमेटी के अध्यक्ष सूरज यादव ने कहा कि प्रति वर्ष इस तरह का आयोजन होता है, जबकि उपाध्यक्ष दिवाकर भारती ने बताया कि पूरी आस्था के साथ माँ दुर्गा की पूजा 10 दिनों तक होती है। मौके पर राजा गोस्वामी, राजन सिंह, निशांत यादव समेत कई कार्यकर्ता और भक्त मौजूद थे। आज का हमारा कार्यक्रम जो पूर्व से ही सही चला आ रहा है, ये कलश शोभा यात्रा हमारा कलश शोभा यात्रा सुबह 7 बजे निकली थी पर्वती से,
और बारिश की वजह से समय आगे चल गई, लेकिन हाँ बारिश से कोई मतलब लेनी देनी नहीं है, लेकिन जो है माँ का पूजा करना है और कलश शोभा यात्रा निकालना है और ये निकल रही है बहुत अच्छे ढंग से, पर्वती से निकल के स्टेशन जाएगी तथापुर रास्ते होते हुए स्टेशन से फिर आपका खलीफाबाद मार्ग वहीं शारदीय नवरात्र पर इस्माइलपुर प्रखंड के पर्वत्ता ग्राम से कलश शोभा यात्रा निकाली गई। मौके पर अजय पासवान, कैलाश पासवान समेत काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। विश्व हृदय दिवस पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया की ओर से रविवार को जागरूकता रैली निकाली गई। रैली भागलपुर नौलखा कोटी से निकलकर तिलका मांझी चौक तक गई। वहीं चिकित्सकों ने वर्ल्ड हार्ट डे पर अपने विचार और सुझाव व्यक्त किए, साथ ही आम लोगों से हृदय के प्रति जागरूक रहने की बात कही। एपीआई के डॉक्टर डीपी सिंह ने कहा कि हमारा हृदय तभी स्वस्थ रहेगा जब हम संतुलित भोजन लेंगे। वहीं एपीआई भागलपुर चैप्टर के सचिव डॉक्टर राजीव सिन्हा ने कहा कि हमारा हृदय प्रतिदिन लगभग 15,000 लीटर खून पंप करता है और पूरे शरीर में सबसे अधिक मजबूत मांसपेशी हृदय की होती है। डॉक्टर राजीव सिन्हा ने हृदय रोग से बचाव के लिए तनाव से दूर रहने और व्यायाम करने की बात कही। मौके पर डॉक्टर अमिताभ सिंह, डॉक्टर संजय कुमार, सैयद जीजा हुसैन समेत कई लोग मौजूद थे। आज विश्व हृदय दिवस है। आज के दिन भागलपुर वासियों को स्वस्थ हृदय के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और आज के दिन हमें भागलपुरवासी, भागलपुर के हर नागरिक को हार्ट हीरो बनना पड़ेगा, हृदय का नायक बनना पड़ेगा और 7 कसमें खानी होंगी तभी आपका हृदय स्वस्थ रह सकता है। और प्रथम कसम ये है कि आप सिगरेट ना पिए, आप नियमित भ्रमण करें, आप अपने भोजन में 3 फल अवश्य लें, हरी सब्जियों का सेवन करें, घी तेल का प्रयोग कम करें। ये प्रत्येक साल ये दिन मनाया जाता है हृदय रोगों के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए। हमें पता है कि ये नंबर 1 किलर है, हृदय रोग से संबंधित रोग नंबर 1 किलर है और इसे लाइफस्टाइल में चेंज करके रोका जा सकता है। इस बार का स्लोगन है माय हार्ट योर हार्ट। इस बार का अपने आप से वादा करने के लिए ये संदेश दिया जा रहा है कि हम लोग अपने आप से वादा करें कि स्वस्थ जीवन जिएंगे, बच्चों को व्यायाम के लिए प्रेरित करेंगे, घर में स्वस्थ भोजन पकाएंगे, हृदय स्वास्थ्य सेवा से संबंधित जितने भी लोग हैं उसमें ऐसी फैसिलिटीज़ हम लोग पैदा करेंगे या जुटाएंगे कि हृदय रोग के संबंध का लोगों का इलाज संभव हो सके। भागलपुर हबीबपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने रात्रि गश्ती के दौरान इंडिगो कार से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। वहीं पुलिस को देखते ही तस्कर मौके से गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। दरअसल हबीबपुर पुलिस को अमरपुर के रास्ते गांजे की बड़ी खेप लाए जाने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद थाना अध्यक्ष ने गश्ती में तैनात दरोगा शमसुल हौदा को चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया। इसी दौरान शनिवार की रात 2 बजे सतघरा बाईपास के समीप पुलिस ने बंगाल नंबर की इंडिगो गाड़ी को रुकने का इशारा किया, लेकिन ड्राइवर गाड़ी लेकर भागने लगा। इसी दौरान पुलिस ने गाड़ी को ओवरटेक कर पकड़ लिया, जबकि चालक पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। तलाशी के दौरान गाड़ी से 46 पैकेट में बंद 46 किलो गांजा बरामद किया है। बरामद हुए गांजे की बाजार कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिलेक्ट टीवी। अगर शहरों में रहने की तमन्ना हो तो क्यों ना एक घर अपना हो, अगर पीवीवाई आस्था ड्रीम्स आपका अपना हो तो क्यों बाजारे महफिल में भटकना हो। पीवीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है 1 लाख रुपए प्रति कट्ठा में आकर्षक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रोजेक्ट में पहले पोजिशन पाए फिर रजिस्ट्री कराएं। 30 फीट चौड़ी सड़क, नाली, 24 घंटे बिजली, पार्किंग, जिम, हॉस्पिटल एवं अन्य कई सुविधाओं के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी। पीवीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मासिक किस्त मात्र 10,000 पर उपलब्ध, तो अभी बुकिंग कराएं मात्र 51,000 रुपये में। आवासीय जमीन मात्र 1 लाख रुपए प्रति कट्ठा, तो जल्दी फोन उठाएं और संपर्क करें 7070909894 8210975763 7542931524
6200102297 बलुआ टोला करेला नाथनगर भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर के देवी बाबू धर्मशाला में रविवार को भागलपुर जिला अग्रवाल सम्मेलन की ओर से अग्रसेन जयंती समारोह आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष शंभु दयाल खेतान एवं अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। इस दौरान सम्मेलन में ध्वजारोहण प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अध्यक्ष कुंज बिहारी झुंझुनवाला ने बताया कि प्रत्येक वर्ष अग्रवाल समाज की ओर से धूमधाम से महाराज अग्रसेन की जयंती मनाई जाती है और समाज के बच्चों के बीच विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर आलोक सिंघानिया, संजय कुमार जैन सहित कई लोग मौजूद थे। भागलपुर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र साहेबगंज मोहनपुर इलाके के बाढ़ प्रभावित लोगों ने राहत की मांग को लेकर रविवार को साहेबगंज मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। इस दौरान बारिश में भीगते हुए बाढ़ पीड़ितों ने बाढ़ राहत की मांग को लेकर सरकार एवं जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जाम का नेतृत्व भाकपा माले के नगर प्रभारी मुकेश मुक्त और बीरबल यादव ने किया। मुकेश मुक्त ने कहा कि नगर निगम वार्ड संख्या 9 का उत्तरी इलाका जलमग्न हो गया है और कई घर भी बाढ़ की चपेट में आकर ध्वस्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से पीड़ितों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण लोग भूखे रहने को विवश है। वहीं इस पूरे मामले पर नाथनगर सीओ राजेश कुमार ने कहा कि वह इलाका नगर निगम क्षेत्र में आता है, इसलिए भोजन की व्यवस्था निगम प्रशासन को करनी चाहिए। हर साल का रवैया है और बरसों से लड़ाई लड़ रहे हैं इधर वार्ड नंबर 9 में जो उत्तरी क्षेत्र के साथी लोग हैं, इसका कुछ अस्थाई निदान करो। एक तो हर साल डूब जाता है और हर साल इसी तरह से जो है इन लोगों को बाढ़ राहत के नाम पर कुछ नहीं मिलता। शहरी क्षेत्र में है सीओ और ये नगर निगम में चीज़ें अटका देता है, जैसे तैसे लोग जो है एडजस्ट करके रहते हैं। अभी आंदोलन किया है, वादा करके गए थे यहाँ से प्रशासन। भागलपुर नाथनगर प्रखंड के रन्नूचक मकंदपुर पंचायत के सैकड़ों बाढ़ पीड़ितों ने रविवार को बाढ़ राहत और भारी बारिश से बचने के लिए पॉलीथीन की मांग को लेकर भुआलपुल के समीप NH-80 को जाम कर दिया। इस दौरान बाढ़ पीड़ितों के बीच काफी आक्रोश देखा गया। लोगों का कहना था कि एक तरफ मूसलाधार बारिश तो दूसरी तरफ बाढ़ की भयावह स्थिति है, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से अब तक कोई सहयोग नहीं मिल पाया है, जिसके कारण बाढ़ पीड़ित खुले आसमान के नीचे NH पर शरण लेने को विवश है। इस दौरान बाढ़ पीड़ितों ने सड़क पर आवागमन कर रहे यात्रियों को भी रोक दिया, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। भागलपुर जिले में पिछले 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ पीड़ितों की परेशानी को देखते हुए तैलौधा पंचायत के मुखिया शिव कुमार शाह ने पीड़ितों के बीच सूखे राशन और तिरपाल का वितरण किया। इस दौरान मुखिया ने कहा कि बारिश के कारण कई कच्चे मकान गिर गए, जिसके कारण लोगों को आसमान के नीचे तेज बारिश में रहना पड़ रहा है। उसी को देखते हुए मुखिया ने 2 दर्जन से अधिक लोगों में सामान का वितरण किया। साथ ही मुखिया ने कहा कि पीड़ितों के भोजन की व्यवस्था की जा रही है। वैसे ग्रामीण जो गरीब हैं, जिनके घर में खाना नहीं बन पा रहा है किसी कारणवश, वो हमको सूचित करें, हमको बतावें, हम उनको समुचित मुहैया कराएंगे उनके खाने पीने की वस्तुओं का। और जिन बंधुओं का बारिश के चलते घर में पानी आ रहा है, ऊपर से छत टपक रहा है, पानी का बूंद गिर रहा है, ऐसे भी आदमी हमसे मिले, जिससे हम उनके दुख दर्द में शामिल होके उनका दुख को दूर करने का कष्ट करेंगे। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय PBY आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, आवासीय जमीन मात्र 1,00,000 रुपए प्रति कट्ठा। लगातार 5 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण अलग अलग जगहों पर गिरी दीवार, 9 लोगों की मलबे में दबकर हुई दर्दनाक मौत। भागलपुर से राजधानी तक का सड़क संपर्क हुआ भंग, महज 6 माह में ही ध्वस्त हुआ चंपा पुल पहुंच पथ। कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्र हुआ शुरू, पहले दिन मां शैलपुत्री की हुई पूजा अर्चना, माहौल हुआ भक्तिमय। विश्व हृदय दिवस को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली, डॉक्टरों ने नशा से दूर रहने की कही बात।
और भागलपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, वाहन चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में गांजा बरामद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।